लिए इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिए गए इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे हर नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे दादाजी वाराणसी शहर के जाने माने घी के व्यापारी थे। मेरे पिताजी राजेश कुमार को हमारे खानदानी व्यापार में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उन्होंने वकालत की पढ़ाई की और वकील बन गए। हम सभी लोग एक ही घर में रहते हैं। मेरे दोनों चाचा पिताजी के साथ ही उनके ऑफिस में काम करते हैं। लेकिन एक दिन जब मैंने अपनी सबसे छोटी चाची का असली रूप देखा तब मेरी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई। मेरी छोटी चाची सबसे ज्यादा झगड़ालू और जहरीली स्वभाव की थी। उन्हें घर का काम करने में और बड़ों की इज्जत करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हर रोज वह मेरे दादा दादी को अपमानित किया करती थी और उनकी गतिविधियां भी काफी संदिग्ध थी। एक बार जब रात के 3 बजे मेरी नींद खुली तो मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा कि मेरी छोटी चाची अपने बाल खोलकर बरामदे में खड़ी आसमान की तरफ देखकर कुछ बड़बड़ा रही है। मैं फौरन नीचे गया और देखा कि उनके मुंह पर खून लगा हुआ है और उनके हाथ में मरी हुई बिल्ली का एक सिर है और दूसरे हाथ में बिल्ली का शरीर था। अपनी चाची का यह वैशतनाक रूप देखकर मेरा पूरा शरीर सुन पड़ गया। डर के मारे मेरी चीख निकल गई। मेरी किस्मत खराब थी कि मेरी चाची ने मुझे वहां देख लिया। वह तुरंत उसी हाल में मेरे पीछे भागने लगी, लेकिन मैं किसी तरह वहां से भाग निकला और अपने कमरे की खिड़की दरवाजे बंद कर लिए। पूरी रात मैं इसी डर से सो नहीं पाया कि कहीं वो मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। सुबह के समय जब मैंने दरवाजा खोला तो मेरी सांसें थम गई। मेरी छोटी चाची दरवाजे के सामने खड़ी मुझे गुस्से से घूर रही थी। उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने रात वाली बात किसी को भी बताई तो वह मेरा भी यही हश्र करेंगी। उनकी यह धमकी सुनकर मेरी रातों की नींद हराम हो गई। मुझे हर पल यही डर लगा रहता था कि कहीं मेरी चाची घर में किसी की जान ना ले ले। लगभग 1 हफ्ते बाद फिर से मेरी नींद रात को 3 बजे खुली। बरामदे में दोबारा से कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। मैंने देखा कि मेरी चाची वहां खड़ी है और उनके साथ एक अघोरी तांत्रिक भी है जिसके पूरे शरीर पर राख बनी हुई है। इस बार मुझसे रहा नहीं गया। मैंने फौरन शोर मचाया और पूरे घर को वहीं इकट्ठा कर लिया। मेरे दादा दादी मम्मी पापा मंझले चाचा छोटे चाचा और मंझली चाची फौरन उठ गई और वे सभी नीचे बरामदे में आ गए। छोटी चाची और उस अघोरी को हम सबने घेर कर ऊप धोया और अगले ही दिन छोटे चाचा ने चाची को तलाक दे दी। हम सब कोर्ट में गए और वहां मेरी छोटी चाची मुझे बड़े ही गुस्से से देख रही थी और उन्होंने मुझे सबके सामने कहा कि मेरी बर्बादी का कारण तू है, अब तू मेरे हाथों नहीं बचेगा, मैं तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। वह अचानक मुझ पर झपटने लगी कि तभी मेरे पिताजी और मेरे दोनों चाचा मेरे आगे खड़े हो गए और उन्होंने चाची को धक्का देकर पीछे कर दिया। चाची की धमकी सुनकर मैं पूरी तरह हिल गया। हम सब अदालत से वापस आ गए। समय के साथ साथ मैं चाची और उनकी दी हुई धमकी को भूलने लगा, लेकिन एक दिन उनकी धमकी सच्चाई में बदल गई जब अचानक देर रात को मैंने देखा कि मेरी एक्स चाची और वो अघोरी मेरे पलंग के पास खड़े हैं। इससे पहले कि मैं चिल्लाता उसने मेरा मुंह दबोच लिया और उस अघोरी ने मेरे पैर पकड़ लिए। फिर चाची ने कैंची से मेरे कुछ बाल काटे और मेरी उंगली में सुई घुसाकर मेरे खून के कुछ कतरे ले लिए और अलमारी से मेरे कुछ कपड़े निकालकर अपनी थैली में भर लिए और वे दोनों मुझे पलंग से नीचे गिराकर भाग निकले। मैंने खूब शोर मचाया, सब इकट्ठे हुए, लेकिन तब तक वे दोनों भाग चुके थे। हमने तुरंत पुलिस कंप्लेन की लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। मुझे अब भी समझ नहीं आता कि मेरी एक्स चाची मेरे बाल खून और कपड़ों के साथ क्या करने वाली है। कुछ लोग कहते हैं कि मैली विद्या करने वाले लोग अपने शिकार की चीजों के जरिए उसे वश में कर लेते हैं और उसे डरा सकते हैं, उसका खून चूस सकते हैं, उसे बीमार कर सकते हैं और यहाँ तक कि उसकी जान तक ले सकते हैं। भगवान ही जाने कि मेरे साथ क्या होगा। यूं तो इस घटना को काफी साल गुजर चुके हैं लेकिन आज भी मैं डर के साए में जी रहा हूँ। दोस्तों
मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई हो।